जमहूरियत में अहम है हम किसी काम में दखल अंदाजी न करें, हम मुकन्निना नहीं कानून साजी नहीं कर सकते, कानून साजी और इस्लाहात कानून साजों का काम है। चीफ जस्टिस का तकरीर से खिताब, कहा लोगों को शिकायत हैं, जल्द इंसाफ नहीं मिलता, किसी को मुरद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, बदकिस्मती से फौजदारी मुकदमात की तफ्तीश गैर मयारी है, जज कानून के मुताबिक फैसला करें। शाहजेब कत्ल केस में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सोसाइटी की अपील समाज के लिए मंजूर कर ली, तमाम फरीकैन को नोटिस और मुल्जिमान के काबिले जमानत वारंट जारी, हुकूमत वजारत दाखिला को मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म, एयरपोर्ट को हिदायतनामा भेजने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने VVIP मूवमेंट अस्खुद नोटिस केस निमटा दिया, चीफ जस्टिस ने पुलिस रूल्स के मुताबिक तमाम रुकावटों को दूर करने का हुक्म दे दिया, 2 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक रोकने पर पाबंदी, निजी कॉलेजेस और सरकारी अस्पतालों के लिए 5 रुकनी इंस्पेक्शन टीम तश्कील, कॉलेजेस को 6,45,000 से ज्यादा फीस वसूल करने से रोक दिया, मार्केटों से तमाम ब्रांड्स के डब्बे वाले दूध आज ही उठाने का और टेस्ट कराने का हुक्म। बलोचिस्तान असेंबली के नए कायदे ऐवान का फैसला हो गया, मुस्लिम लीग काफ के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को सूबे का वजीर आला मुंतखब कर लिया गया, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को 41 अरकान ने वोट दिया, मुखालिफत में लियाकत आगा ने 13 वोट हासिल किए, इजलास के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इंकलाब बातों और दामों से नहीं अमली इकदाम से आता है, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे वरना घर जाएंगे, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया कल हुकूमत उसके पास होगी, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहते हैं मुल्क में जमहूरियत का सफर चलता रहेगा, किसी के लिए भी मुस्तकबिल की पेश गोई करना मुमकिन नहीं, हुकूमत सहूलतकार होती है, हर मसला हल नहीं कर सकती। जैनब कत्ल केस में अहम पेशर, ज्यादती में मुलविस मुबैना मुलजिम की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई, मुलजिम ने सर पर टोपी कोट और शलवार कमीज पहन रखी है, जिसको मकतूला के घर के बाहर चक्कर लगाते देखा जा सकता है, पुलिस ने किसी से मुतालिक अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पंजाब में बच्चों से ज्यादती का मामला, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वजीर कानून राना सनाउल्लाह की सरबराही खुसूसी कमेटी तश्कील दी, कमेटी बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकियात की रोकथाम से मुतालिक उमूर का जायजा लेगी, वजीर तालीम राना मशहूद कहते हैं पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वाले अहले कसूर नहीं बाहर के लोग थे, अदालतों का काम डेड लाइन देना नहीं, मॉल रोड पर एहतजाज की कॉल देने वालों के खिलाफ भी अदालत एक्शन ले। शहबाज शरीफ और इन लाइन की तरह जैनब केस पर भी बर्फ रफ्तारी से काम करें, उन्हें यहां सर्जिकल स्ट्राइक करना होगी, रेहम खान की कसूर में मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं अफसोस की बात है बार बार बच्चों की लाशें उठाना पड़ी, कसूर वाके को सियासी रंग न दिया जाए, दरिंदे को फौरी तौर पर पकड़कर मिसाली सजा दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर ग्रुप का हंगामी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, अवामी राबता मुहिम को मजीद तेज करने पर मुशावरत होगी। पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी, सरगोधा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वकला की हंगामा आरई, वोटिंग लिस्टों पर एतराजात पर मुश्तइल वकला ने बैलेट पेपर फाड़ दिए। शाहीन कीवीज के सामने एक बार फिर नाकाम, तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 183 रन से शिकस्त दे दी,
सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल। कौमी टीम 258 रन के हदफ के ताकुब में 74 रन बनाकर ही ढेर हो गई। मेजबान टीम के ट्रेंट बोल्ट की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। कीवीज बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां बिखेर दी। सीनियर खिलाड़ियों की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अजहर अली मुसलसल तीसरे मैच में भी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। ट्रेंट बोल्ट के सामने प्रोफेसर के आसान खता, खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। फखर जमान, बाबर आजम, शोएब मलिक भी फ्लॉप। कप्तान सरफराज अहमद की भी मायूस कुन कारकर्दगी। मुल्क भर में ठंड के डेरे, कोयटा समेत मुल्क के शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द। इस्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गोप्स में -8 तक गिर गया। अस्तौर, गिलगित और हुंजा में पारा -7 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों बालाई से में धुंध पड़ने का सिलसिला जारी। आइंदा दो रोज में गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अमरीका और यूरोपीय ममालिक में बर्फबारी ने तमाम सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। बर्फ और यकबस्ता हवाओं से हर चीज जम गई। कई फुट बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई परवाजें भी मनसूख। अमरीका ने ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा खत्म करने का फैसला कर लिया। सदर ट्रंप की तेहरान को आखिरी मोहलत। पाबंदियों के बिल पर दस्तखत 4 माह के लिए मुअख्खर कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के खिलाफ तीसरी बार सख्त पाबंदियां आयद न करने का मकसद जौहरी हथियारों की तहकीक खत्म कराना है। मुल्कों को धमकियां तो कभी मुस्लिम ममालिक पर पाबंदियां। अजीबो गरीब हरकतों और नई किताब में अहमक होने का इंकशाफ। अमरीकी सदर का फौजी मेडिकल सेंटर में पहला तिब्बी मुआयना हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक डॉक्टर्स ने ट्रंप की सेहत को बेहतरीन करार दे दिया। अमरीकी सदर ने अपना तिब्बी मुआयना सदारत के मनसब के लिए फिट साबित करने को कराया। और हॉलीवुड की एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस का शाहकार आने को तैयार। एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म वेस्टलैंडर का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।